अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। अच्छा जी, ये बच्चों मुझे ये बताइए कि आजकल क्या हो रहा है? काम कर रहे हैं, सारा खेल रहे हैं? ये तो नहीं कि सारा वक्त जो है बैठ के बस मम्मा कहती हैं पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, नहीं खेलते भी हैं। क्या खेलते हैं भाई जी? अच्छा अच्छा काम करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा करा करें कि कुछ लफ्ज़ जो हैं अपने दोस्तों से बोला करें, मम्मा से बोला करें कि बुक में से बोलें आपको, और आप उनको लिखने की प्रैक्टिस करें। हाँ, ये भी एक गेम होता है कि भाई देखें कि आपको कितना लिखना आता है, आपके दोस्त को कितना लिखना आता है ना भाई? ये भी गेम हो सकता है कि आप पढ़ाई भी करते रहें और खेल भी करते रहें। हाँ, कोई लफ्ज़ आप उसको बोलें, वो आपको लिख के दिखा दे, कोई वो आपको लफ्ज़ बोले और आप उसको लिख के दिखा दे, है ना? ऐसे भी गेम हो सकता है। इससे क्या होगा, पढ़ाई पढ़ाई में, खेल ही खेल में पढ़ाई भी हो जाएगी, पढ़ाई के साथ खेल भी हो जाएगा, है ना भाई? अच्छा आइडिया दिया ना। हाँ, मैं भी यही गेम खेलती हूँ अपने दोस्तों के साथ में जी, जब भी मुझे अच्छा अच्छा लिखना आ गया है ना भाई? अच्छा बच्चों, अब हम क्या करेंगे? कल हमने क्या किया था? अल्फाज पढ़े थे ना, उन अल्फाज को पढ़ने की कोशिश की थी, दोबारा से पढ़ा था। वेरी गुड। वीडियो देखी थी, बार बार देखी थी। शाबाश। वीडियो बार बार देखने से क्या होता है, अच्छे से समझ में आ जाता है ना कि हमने क्या पढ़ा है, क्या अल्फाज मौजूद हैं, है ना भाई? अच्छा बच्चों, आज हम क्या करें, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं और अल्फाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, ताकि हमें जल्दी जल्दी से ज़्यादा लफ्ज़ पता चल जाए, हमें पढ़ने आ जाए और हम जुमले पढ़ने लगें और हम आगे की कहानियाँ खुद से पढ़ने लगे, है ना भाई? चलिए जी, भी क्या करते हैं, हम अपने बुक का, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 38 खोल लेते हैं। हमारे पास मौजूद है सफ़ा नंबर 38, और 38 पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 32 अल्फाज मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आइकन्स देखेंगे। आइकन्स क्या है भाई? हमारे पास यहाँ पे तीन आइकन्स मौजूद हैं। पहला आइकन है हमारा जिसपे कुछ आइंस बनी है, एक उंगली रखी, इसका मतलब क्या होता है? पढ़िए जी, हमसे कह रहे हैं पढ़िए। पहला आइकन कह रहा है हमसे पढ़े, तो हमने पहले सफ़े को पढ़ना है, ठीक है, हम पढ़ लेंगे। और उसके बाद लकीर बनी हुई है, पेंसिल रखी हुई, इसका मतलब क्या होता है? लिखिए जी, हमने खुद से लिखना है यहाँ पे। और फिर मानो बिल्ली मौजूद है, मानो बिल्ली हमसे कहती है कि रंग भरिए जी, हमने रंग भरना है। और इन सब काम से पहले हमने क्या करना होता है जी? हमने करना होता है तारीख लिखनी होती है। हम लिखेंगे यहाँ पे तारीख, ठीक है जी, हम तारीख लिख देंगे। सबसे पहले क्या करना है भाई? पढ़ना है हमने। चले जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पे क्या रखा है भाई? भाई ये डो ल डोल, डो ल डोल, डो ल डोल, डोल डोल। शाबाश, मेरे साथ दोहरा रहे हैं ना, वेरी गुड। रो रोल, 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 दोहरा रहे मेरे साथ, शाबाश। रो ड रोड, रो ड रोड, रो ड रोड, 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 रो क रोक, 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 रोक। जोर, 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 जोर। डोर, डोर, डो डोर, डो डोर, 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 डोर। अच्छा जी, नीचे देखते हैं मजीद अल्फाज क्या लिखे हुए हैं जी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रोज, 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 रोज। जोब, 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 जोब। एक दफा सारे अल्फाज को दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना भाई? चलें जी, डोल, 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 रोल, 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 रोड, 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 रोक, रोक, रोक,
जोर जोर जोर, डोर डोर डोर, रोज रोज रोज, जोप जोप जोप। जी हमने सारे अल्फाज जो है पढ़ लिए। अब पढ़ने के बाद क्या करना था, लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है ना भाई। तो क्या करना है आप लोगों को पता है, अपनी पेंसिल्स निकालेंगे और पेंसिल को शॉर्प कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद बारी बारी हर लफ्ज़ के नीचे उसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से लिखेंगे, देख के लिखेंगे कि कैसे बना हुआ है, हमने लाइन पे लिखना है, लाइन से नीचे ना जाए, लाइन से ऊपर ना जाए, लाइन पे अच्छे से आराम से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, अच्छा आराम से काम करेंगे ताकि काम बहुत अच्छा हो, ताकि आपके टीचर कहें कि भाई आपके दोस्त बहुत अच्छा काम करते हैं, साफ सुथरा सा काम करते हैं ना, गंदगी नहीं करते। अब क्या करेंगे, बार बार इरेज भी करना नहीं पड़ता ना, बार बार इरेज करने से भी तो सफ़ा ख़राब हो जाता है ना। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता देख के काम करें, देख के आप पूरे पेज पर काम करेंगे, सारे सफ़े पर काम करेंगे। जब आप सारे सफ़े पे लिख लेंगे हर लफ्ज़ को तो फिर क्या करेंगे जी, फिर मानो बिल्ली का कहना मान लीजिएगा। मानो बिल्ली हमसे क्या कहती है, मानो बिल्ली हमसे कहती है रंग भरिए जी। तो फिर आप रंग भरिएगा, अपनी कलर पेंसिल निकाल लीजिएगा, इन सब सारे रंगों को आप अच्छे से शॉर्प कीजिएगा, और शॉर्प करने के बाद बारी बारी हर तस्वीर पे रंग भरिएगा, अच्छे से रंग भरिएगा, आराम आराम से रंग भरिएगा। रंग कैसे भरते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आहिस्ता 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 हर तस्वीर पे आप जो है रंग भरेंगे। कलर जो है, रंग जो है तस्वीर से बाहर निकलने नहीं चाहिए, वरना क्या होता है तस्वीर ख़राब लगती है ना, गंदी लगती है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि रंग जो है वो तस्वीर से बाहर नहीं निकले। और उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद ये करेंगे कि इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे। जब आप बार बार देखेंगे तो आपको क्या करेंगे, इन सारे अल्फाज को बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। जब बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको बताइएगा कि आज हमने फिर नए अल्फाज पढ़े थे जी। उन नए अल्फाज को पढ़ के सुनाइएगा और अपने काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।